चलिए अब निकलते हैं यहाँ से। तो चलिए यहाँ तो आ गए। फूल सब नहीं देती हो कुछ? थोड़ा सा और ऊपर जाना है हमें, अभी ज्यादा यात्री आए नहीं है इस टाइम में। निरंतर गंगा मैया इसी गति से चल करके सेवा कर रही है। ऊपर से नहीं पता कहाँ से गंगा मैया आती है। अभी हम एमपी में हैं और ये कुछ बाबा जी लोगों का कुटिया है, ये एक दूसरा रोड है। हाथ मत पकड़िए अंकल जी। इधर पत्थरों का सीढ़ी बना हुआ है, लोग लिफ्ट से भी जा रहे हैं नीचे। चार धारा और है ऊपर जंगलों में। पानी कैसा है? नॉर्मल है पानी? इधर कुछ दुकान सब भी है जहाँ से आप छोटे मोटे कुछ कुछ सामान ले सकते हैं। पूरा सब पूरा आइटम मैं। अच्छा अच्छा, पूरा आइटम दीजिएगा सर। अच्छा, पूरा आइटम देंगे भैया जी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए दिन में। अभी 1:15 हो गया है रात में जब हम यहाँ आए 9 बजे के आसपास। तो यहाँ पे हम रामघाट के पास एक धर्मशाला में जगह लिए, ये मांझी धर्मशाला है। यहाँ पे हम जगह लिए और नाइट में यहीं पे स्टे किए। एक्चुअली 7-8 घंटा बस में ट्रेवल करने के बाद बहुत ज्यादा थक गए थे, तो आते ही हम सो गए। अभी हम थोड़ा देर पहले उठे हैं तो फ्रेश व्रेश होके अब रेडी हैं। अब चलते हैं चित्रकूट घूमते हैं। तो ये मांझी धर्मशाला जो है ये रामघाट के पास ही है, रामघाट के जस्ट बगल में है। यहाँ सामने मंदाकिनी नदी बहती है और ये सामने घाट है। और ये रहा मेरा धर्मशाला जहाँ हम स्टे किए हैं। तो अगर आप लोगों में से कोई यहाँ आते हैं और कम प्राइस में रूम लेना चाहते हैं तो यहाँ मांझी धर्मशाला में आप ले सकते हैं। हम सिंगल थे तो हमें 150 रुपया लिए हैं। अगर आप 2-3 लोग होंगे तो आपको बहुत से बहुत 200 से 250 रुपया देना होगा, आप रह सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए अभी निकलते हैं हम यहाँ से और घूमते हैं चित्रकूट धाम। एक तो हनुमान धारा हमें जाना है पहले, उसके बाद और भी कुछ जगह है वहाँ सब जाएंगे। तो ऐसा कुछ दिखता है ये नाव सब, और ये अभी हम रामघाट पे हैं। तो चलिए अब यहाँ पास में एक मोर है, वहाँ से ऑटो लेके चलते हैं हनुमान धारा। 10 रुपया लेता है ऑटो वाले। अभी ज़्यादा यात्री आए नहीं है इस टाइम में तो ऑटो सब कम ही चलता है। ऑटो तो आ नहीं रहा है, देखते हैं कब तक ऑटो मिलता है, फिर यहाँ से ऑटो लेके निकलना है। तो अभी ये एक ऑटो मिला है जिसमें बैठे हैं, सवारी तो है नहीं बट ये जा रहे हैं उधर ही, तो लेते चलेंगे। ये भी इंतजार कर रहे हैं सवारी का, सवारी आ जाए फिर ये भी कुछ सवारी लेके कमा लेंगे। देखते हैं कब तक हनुमान धारा पहुँचते, यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर के आसपास में है। इधर का रोड थोड़ा सा सही है, पीछे तो थोड़ा सा जर्किंग ज्यादा था बट अभी सही है रास्ता। इसमें फूल सब नहीं देती हो कुछ? फूल माला सब ऊपर ले लेंगे। फूल ऊपर ले लेंगे बाबू। कितने लगते हैं फूल का? बहुत ज्यादा बता रहे बाबू, 5 के दे दो। 10 लोगे ही ये लो, खुश? चलो थैंक यू। चलिए अब चलते हैं ऊपर का चढ़ाई चढ़ते हैं। यहाँ जगह जगह पे हनुमान जी, माता सीता, राम भगवान, लक्ष्मण जी का प्रतिमा बना रखे हैं। चलिए थोड़ा सा और ऊपर जाना है हमें। अब फोटो क्लिक करते हैं। अच्छा, तो ये लिफ्ट लगा है नीचे से ऊपर आने के लिए, यहाँ तक आप आ सकते हैं ऊपर। यहाँ पे लिफ्ट का प्राइस है अडल्ट का 115, चाइल्ड का 85। सही है, कुछ खाने पीने का भी आइटम मिलता है अंदर। ये भक्त लोग दर्शन करके जा रहे हैं और चलिए हम दर्शन करते हैं। फूल माला ले लो, हनुमान धारा आ गए, हनुमान जी के पास 10-10 रुपए का माला फूल बजरंग बली के। बाबा जी बोले ये धारा के बारे में कुछ बता सकते हैं? अरे क्या बताए, बता दीजिए कुछ छोटा मोटा किस्सा जो हो। हम बिहार से आए हैं बाबा जी। पटना बिहार? हाँ पटना बिहार। इधर आओ, यहाँ ले जाए कि फूल नहीं। हनुमान जी ने लंका को जलाए थे, वही हृदय में ज्वाला रहती थी, उसी शांति के लिए राम जी महाराज ने हनुमान जी महाराज को यहाँ पर स्थान दिया, लंका जलाने की ज्वाला शांति के लिए। भगवान राम जी ने हनुमान जी महाराज को ये संकर्षण के नाम की पार्वत, इस पार्वत का नाम संकर्षण गिर है, भगवान राम जी महाराज ने स्थान दिया है, बाण मार करके धारा दिया। निरंतर गंगा मैया इसी गति से चल करके सेवा कर रही है। ऊपर से नहीं पता कहाँ से गंगा मैया आती है,
स्थान के बाद कहाँ जाकर के समाप्त हो जाते। स्थान धारा के पश्चात भगवान राम जी महाराज ने हनुमान जी महाराज को वरदान दिया है, भक्त हनुमान तुम कलयुग में पूजनी हो। हनुमान जी महाराज से मनोरथ करें। हनुमान जी महाराज अन्न धन दूध पूज शक्ति भक्ति बल बुद्धि के देने वाले, अष्ट सिद्ध नवनीत के दाता, अश्वर देव जानकी माता। चलिए हनुमान धारा का दर्शन कर लिए, अब यहाँ चूल्हा चौका रसोई है, चलते हैं उधर देखते हैं क्या है। और यहाँ से कुछ ये नीचे का व्यू दिख रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। इधर लोग बंदर को खिलाते भी हैं चना लाके, नीचे चना मिलता है आप खरीद के खिला सकते हैं। चाय बढ़िया प्याज है बाबू, रबड़ी है चाय बाबू, प्रेम से दो दस रुपए। दस रुपए बाबू, हाथ मत पकड़िए अंकल जी। सीता रसोई, बेसिकली ये पूरा एरिया बना रखे हैं डिजाइन करके कि इधर से इधर आपको घूमना है, जगह जगह पे 5-10 रुपए का दान भी करते रहना है। तो ये 5 मुनि थे जिन्हें माता सीता ने भोजन कराई थी। कुछ यहाँ का किस्सा बता सकते हैं पंडित जी? सीता माता वनवास काल में कंदमूल परिवार को इनको खिलाया था। अच्छा, यही जगह पे बना के खिलाई थी। चलिए सीता रसोई घर भी घूम लिए। और ये कुछ बाबा जी लोगों का कुटिया है जहाँ पे बाबा जी लोग रहते हैं, खाते पीते हैं। इधर हनुमान जी महाराज का एक छोटा सा टेम्पल है। भगवान श्री राम ने अपने वनवास का 11 वर्ष जो है वो चित्रकूट पहाड़ पे ही बिताए थे और बाकी के 3 वर्ष ही वो घूम फिर के बिताए थे। बेसिकली ये जगह यूपी के बाहर एमपी में आ जाता है, अभी हम एमपी में हैं। इधर कुछ दुकान सब भी है जहाँ से आप छोटे मोटे कुछ कुछ सामान ले सकते हैं। पूरा आइटम मौजूद। अच्छा अच्छा, पूरा आइटम दीजिएगा सर। अच्छा, पूरा आइटम देंगे भैया जी। तो यहाँ तक आप गाड़ी से भी आ सकते हैं। गाड़ी से आने के लिए आपको इधर से आना होगा, ये एक दूसरा रूट है जो पहाड़ के ऊपर में ही डायरेक्ट आपको लेके आ जाएगा गाड़ी से। ये वाला रूट हमें नहीं पता था, हम तो सीढ़ी चढ़ के आए हैं। यहाँ सामने से आप सीढ़ी चढ़ के भी ऊपर आ सकते हैं। और इधर गांव है कुछ 100-150 लोगों का, जादवों का गांव है। तो इधर से आप गांव से होके भी गाड़ी लेके आ सकते हैं यहाँ पे दर्शन करने। इधर पत्थरों का सीढ़ी बना हुआ है और छोटा सा रास्ता है, तो थोड़ा सा पकड़ पकड़ के चलना होता है। इधर हनुमान धारा रहा और ऊपर रसोई घर है। तो धारा ऊपर से यहाँ से होके नीचे इसमें आती है और फिर यहाँ से पता नहीं कहाँ चली जाती है। कुछ लोग हनुमान जी का धारा घर भी लेके जाते हैं डिब्बा में बंद करके यहाँ से। इधर से भी एक रास्ता है नीचे जाने का, यहाँ से होते हुए आप नीचे जा सकते हैं इधर। और यहाँ से साइड से एक सीढ़ी है जो ऊपर रसोई घर की तरफ जाता है। हम इधर से आए थे, इधर से ही निकलते हैं। लोग लिफ्ट से भी जा रहे हैं नीचे, काफी छोटा छोटा लग रहा है घर सब। और यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है पहाड़, नीचे हनुमान जी का एक छोटा सा मूर्ति है जहाँ से पानियों का छोटा छोटा बूंद गिर रहा है। ये भी एक धारा ही है। बेसिकली यहाँ पे 3 धारा है जिसका आप दर्शन कर सकते हैं और 4 धारा और है जिसका दर्शन करने के लिए आपको जंगलों में जाना होगा। वो सब धारा जंगलों में है। अभी एक धारा ऊपर देखे थे, एक यहाँ देखे हैं और एक ये सामने के मंदिर में है। ये ऊपर से धारा बहती है। यहाँ पे कितना धारा है टोटल? 11 धारा। 11? नीचे तो बताए 7 धारा है। 7 धारा। अच्छा, तो जो आप में से 7 को दर्शन मिलेगा, बाकी धारा। अच्छा, बाकी लुप्त है और 7 का दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी ये 3रा धारा है और बाकी का 4 धारा। बाकी आप ही जाएंगे गेट के बगल में देखेंगे, फिर आगे जाएंगे ऊपर देखेंगे, शंकर धारा देखेंगे। अच्छा, एक यहाँ धारा हुआ, एक नीचे है और एक ये सामने वाले मंदिर में, और 4 धारा ऊपर जंगलों में। चार धारा देखने के लिए जंगल में घूम पाएंगे, आप अकेले जाओगे तो खो जाओगे। अच्छा, किसी गाइड को लेके जाना होगा। अच्छा, जंगल में बहुत सारी रास्ता, कहीं आप खो जाओगे। ओके ओके, रास्ता कहाँ है पंडित जी? तो ये 3रा धारा था यहाँ पे जिसका हम दर्शन किए हैं। 4 धारा और है ऊपर जंगलों में। 2रा धारा ये है, यहाँ ऊपर से बह के नीचे की तरफ जाती है। चलो जी। पानी कैसा है? नॉर्मल है पानी? ठंडा ठंडा है भाई। ये क्या है सर? ये बेल उबला वाला। ये
उबला वाला बेर सूखा जो रहता है। अच्छा, उबला हुआ बेर है। चलिए चलते हैं नीचे। तो यहाँ पे सीढ़ी चढ़ते समय आपको सीढ़ी पे काफी सारा दुकान भी मिलेगा। अच्छा बाबा जी, एक चीज बता सकते हैं, यहाँ पे कितना सीढ़ी है टोटल? यहाँ पे 600 है। 600 के आसपास सीढ़ी है। तो चलिए अभी चप्पल ले ली है और यहाँ से निकलते हैं। यहाँ से हमें फिर रामघाट जाना होगा, उसके बाद ही वहाँ से कहीं और आगे निकलेंगे। अभी तो टाइम हो गया है 3:30 हो गया है। अब यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं भरतकूप के तरफ, क्योंकि शाम हो गया है, ज्यादा जगह अभी जा भी नहीं सकते। तो अभी हम रामघाट आ गए हैं। एक्चुअली हमें जाना था भरतकूप, लेकिन यहाँ से भरतकूप के लिए 17-18 किलोमीटर का डिस्टेंस है और ऑटो मिलना थोड़ा सा संभव है, क्योंकि रिजर्व में जाते हैं ज्यादातर उधर। तो अभी यहाँ से हम चलते हैं गुप्त गोदावरी। यहाँ से गुप्त गोदावरी के लिए ऑटो मिल जाएगा हमें। चटनी तो पानी की तरह लग रहा है पूरा। नहीं, पानी की जैसे।